लगातार यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 महीने से आ रहे हैं और बस पढ़ने के लिए आते हैं। समस्याएं बस यही है कि आजकल जो प्रिपरेशन अधिकतर होती है वो ऑनलाइन ही होती हैं। अगर ऑनलाइन ये लैब जो है सही हो जाए तो काफी कुछ, मतलब जो आर्थिक रूप से बच्चे मतलब मजबूत नहीं है उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। वो कोचिंग न जाने के बजाय यहाँ आएंगे, तैयारी करेंगे और अच्छे से अपना मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे जो भी एग्जाम है। नेट की तैयारी कर रहे हैं हम, उसका अगर ये ऑनलाइन लैब शुरू हो जाए तो ऑनलाइन हम स्टडी कर सकते हैं और ऑनलाइन जो प्रैक्टिस कराते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे हमें बहुत सारी मतलब सुविधाएं हो जाएंगी। यही हमारी सरकार से और मतलब जो भी है संस्था से गुजारिश है कि इसे सही कर दिया जाए तो गरीबी व पिछड़े हुए बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस समय भदोही जिले के जिला पुस्तकालय में मौजूद है, जहाँ का जिला पुस्तकालय आज जगह सामने को मैं अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा हूँ। 90 में बना भदोही का यह पुस्तकालय बेहद पुराना है, मगर आज ये जिला प्रशासन व सरकार की गैर जिम्मेदारी और उदासीनता के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए हाल ही यहाँ पर एक कंप्यूटर कक्ष बनाया गया था, जिससे कि आज के आधुनिक युग में बच्चे इंटरनेट के माध्यम से ई क्लासेस ले सके व प्रैक्टिस पेपरों को हल कर सके। मगर महज एक ऑपरेटर के न होने के चलते ये कंप्यूटर कक्ष धूल खा रहा है और यहाँ पर बच्चे हजारों रुपये के कंप्यूटर खराब होने की कगार पर आ गए हैं और आज भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे यहाँ पर पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई करते हैं व सैकड़ों रुपए खर्च करके ट्यूशन क्लासेस अटेंड करने को मजबूर है। जब संबंध में बच्चों से बात की गई तो उन्होंने सरकार का प्रशासन से कंप्यूटर कक्ष को शुरू किए जाने की दरखास्त लगाई। हरदोई से ईडीवी के लिए आकाश शुक्ला।